मराम देख रहे हैं एरिया न्यूज। डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का जन्म 7 फरवरी 1980 को वैशाली के एक छोटे से गांव देश के बिहार में हुआ है। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। इनका प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही संपन्न हुआ। एक स्नातक की डिग्री पटना विश्वविद्यालय से प्राप्त की है। इन्होंने पीएचडी की भी डिग्री ली है। उसके बाद सिविल सर्विस की तैयारी की और 2008 में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की। उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में भर्ती मिली और उनको गुजरात केदर को सौंप दिया गया। बाद में वे अपने मूल राज्य बिहार लौट आए और उन्हें सीतामढ़ी का डीएम के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने बहुत सारे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और सीतामढ़ी को राज्य का पहला ओडीएम जिला बना दिया। वर्तमान में प्राथमिक शिक्षा विभाग के निदेशक के रूप में कार्यरत थे, परंतु अचानक उनका तबादला पंचायती राज शिक्षा विभाग में कर दिया गया है। आईएएस अधिकारी बनने के बाद बहुत सारे लोग पैसे कमाने के पीछे लग जाते हैं, परंतु उनका स्वभाव पूरी तरह उदार है। वे गरीबों का मसीहा कहे जाते हैं। वे उपसब के उम्मीदवारों को मुफ्त प्रशिक्षण दे रहे हैं। आईएएस रंजीत सिंह पटना में सुपर 50 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जहां उन्होंने कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 1700 से अधिक उम्मीदवारों को मुफ्त में प्रशिक्षित किया है। उनके पास हमेशा देश की सेवा करने और उन लोगों को शिक्षित करने की दृष्टि रहती है जो शिक्षा का खर्च नहीं उठा पाते हैं। अपनी पोस्टिंग होने के बाद उन्होंने गरीबों को कई तरह की सेवा दी है। उन्होंने देश को दिखा दिया कि आईएएस अधिकारी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए भी होते हैं। जनता भी उनको हनी सुपरमैन के रूप में देखना चाहती है। वे ड्यूटी के दौरान ग्राउंड लेवल से निरीक्षण करना पसंद करते हैं। इसी के साथ उनको अपने कार्यों के लिए बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। आज की खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एरिया न्यूज। धन्यवाद।